मर गए यार। नमस्कार सर जी। अरे सचिन तुम क्या कर रहे हो यहाँ? सर जी गुजारे को कुछ तो करना पड़ेगा ना, नौकरी तो मिली नहीं। अरे तुम्हारी तो ग्रेजुएशन नहीं हो गई थी? जी सर ग्रेजुएशन हुई है, कोई नौकरी है तो बताएं। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो हरियाणा में नौकरियों की धूम मची हुई है, बहुत सारी नौकरियां निकली हुई हैं, ग्रेजुएशन बेस पे भी बहुत सारी नौकरियां हैं। कौन सी नौकरी आई है सर, प्लीज बताएं। हरियाणा सरकार ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग में 1100 वैकेंसी निकाली है, जो की 13/6/2019 को पब्लिश की गई है और जिसकी स्टार्टिंग होने की जो तारीख है 18/6/2019 है और इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है 2/7/2019 रहेगी और जो इसकी फीस की है लास्ट डेट वो 5/7/2019 रहने वाली है। सर मेरी एज 40 साल हो चुकी है, क्या मैं भर सकता हूँ अब भी फार्म? हाँ हाँ क्यों नहीं, हरियाणा में 42 साल एज मांगी गई है। सर इसमें क्वालिफिकेशन और फीस कितनी लगेगी? इसमें बीए बीकॉम और कोई भी ग्रेजुएशन किए हुए फार्म को भर सकते हैं और इसकी जो फीस है यहाँ पे जर्नल की मेल फीमेल के लिए 100 रुपये है और हरियाणा रेजिडेंस की जो फीमेल है उनके लिए 50 रुपये है और एससी बीसी की मेल के लिए 25 रुपये और यहाँ पे एससी बीसी और ईडब्ल्यूएस की फीमेल के लिए 13 रुपये फीस मांगी गई है। फीस तो ठीक मांगी गई है सर, पर लेकिन ये अप्लाई कैसे करना है सर और कैसे इसकी एडवर्टाइजमेंट पूरी मैं देख सकता हूँ? इसके लिए जब आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे और उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन का, एडवर्टाइजमेंट का, ऑफिशियल वेबसाइट का और सारे के सारे आपको यहाँ पे लिंक मिलेंगे, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं सचिन, ये तो मेरा फर्ज है और दोस्तों इसी तरह से आप भी अपना फर्ज अदा करें, अपने दोस्तों को रिक्रूटमेंट के बारे में बताएं ताकि वो अपना फॉर्म भर सके और अपने करियर को सुधार सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारे दोस्तों के साथ ये शेयर हो चुके और उन्हें जानकारी मिल सके और वो अपना फॉर्म फिल कर सकें। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।